चलो देखें, नाइन्थ केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 है, और टॉपिक आयन है, और ये पेज नंबर 14 पे या 13 पे आपकी बुक के ऊपर हो सकता है। तो पहले नंबर पे आप ये देखेंगे कि आपके पास जो आयन है, ठीक है, आयन क्या होता है। अब आयन एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं। अगर आपके आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वह है कटायन, अगर आपके आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, अनायन होगा। अभी कैसे बनते हैं, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और वो क्या बन जाएगा, कटायन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हासिल कर रहा है, ठीक है, अटेन कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और वो एनायन कहलाएगा। इसी तरह एग्जांपल के तौर पे देख लें कि आपके पास जो कटायन की एग्जांपल है वो सोडियम है, पोटाशियम है, और ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, एनायन की एग्जांपल। अब उसके बाद देखें एग्जांपल नंबर 2 और 3 में हम देखेंगे कि एटम्स कटायन कैसे बन रहे हैं और एटम्स जो हैं, ठीक है, एनायन कैसे बन रहे हैं। तो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम जो है, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कटायन है। और ये आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये कटायन है। अब एग्जाम्पल 3 के अंदर देखें कि अनायन हम कैसे बनाते हैं, कि ये आपके पास Cl का एटम है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके अंदर ऐड हो रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रही है ऑक्सीजन, इस वजह से इसके ऊपर -2- लगाया हुआ है, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस वजह से नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा एटम और आयन का कंपैरिजन, आपकी बुक के अंदर दिया होगा। एटम 20 के ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, इन्हें फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है कि ये केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें ये एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर देखें कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से क्या मुराद, इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नजर आए तो फिर वो एटम नहीं कहलाएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, वो फिर कहलाता आयन, और आयन की 2 फॉर्म है, कटायन और अनायन। अब उसके बाद देखें आयन, देख लें आयन क्या चीज़ है। आयन जो है ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, और आयनिक कंपाउंड क्या है, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब हमारी अकेडमी में क्लास होती थी, मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड जो है ना, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आयन जो है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। दूसरे नंबर पे क्या है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अलादाना तौर पे एग्जिस्ट करेंगे, और हमेशा याद रखना है कि इनके इर्द गिर्द ऑपोजिट चार्जेज होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये देखें कि ये एक आपके पास आयन है और इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज सराउंड कर रहा है, इसी तरह आपके पास ये जो नेगेटिव वाला आयन है इसके ऊपर जो है ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर रहा है। तो हमेशा जो है ना, ठीक है, आयन होते हैं इन्हें ऑपोजिट चार्ज वाले जो आयन है वो क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर चार्ज आपको पहले पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो कटायन है, अगर नेगेटिव है तो वो अनायन है। आगे आपके पास आता है मलिकुलर आयन।